हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिनी प्रोजेक्ट में के क्वेश्चन 3 में, जिसमें हमें एक गेस गेम बनाना। तो पहले तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं एंड बढ़ते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ, और यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं जिसे सेव करते हैं मिनी प्रोजेक्ट 3.c से, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो हमें बेसिकली इस प्रोग्राम में करना क्या है ना, उसका एक क्विक स्नीक पीक का वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि कंप्लीट होने के बाद क्या गेम दिखता है, तो वो एक बार चेकआउट कर लेना। तो ये है गेस गेम का एक क्विक डेमो। इसमें हम क्या करेंगे, एक मिनिमम वैल्यू लेट्स से 1, मैक्सिमम वैल्यू 100। तो अभी होगा क्या कि 1 से लेके 100 के बीच में एक कोई तो वैल्यू कंप्यूटर ने सेट की है और हमें उसे गेस करना है। तो लेट्स से मैं गेस करता हूँ 50, तो मेरा गेस कम था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से 90 दे देता हूँ, 90 बड़ा हो गया। तो 50 और 90 के बीच में लेट्स से 70, 70 कम है तो 80, 80 भी कम है तो 80 टू 90 के बीच में तो 85 ट्राई करता हूँ, 85 भी कम है तो 87, 87 भी कम है तो 89, एंड ये आंसर वॉज करेक्ट। तो बेसिकली 89 कंप्यूटर ने सेव किया था और हमने वो गेस किया। तो ऐसा हमें एक प्रोग्राम, ऐसा हमें एक गेम बनाना है सी यूज़ करके। तो अभी जैसे डेमो में देखा, हमें बेसिकली करना क्या कि लेट्स से एक रैंडम नंबर कंसिडर करना है। फॉर माय केस मैं 78 कर लेता हूँ। तो ये अभी स्टोर्ड होगा, ये आपको पता नहीं है। तो हमें बेसिकली करना क्या कि ये नंबर को गेस करना। तो अभी गेस करेंगे कैसे, लेट्स से कि हमें एक रेंज पता होगा कि मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना होगा, 1 to लेके 100 के बीच में के नंबर्स है। तो इसमें हमें करना क्या है कि हमको ये गेस कर सकते हैं। लेट्स से मैंने गेस किया 50, तो वो बोलेगा इट इज़ टू, इट इज़ लो। तो उसके वजह से हमें पता है कि अगर 50 कम है तो 50 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो लेट्स से कि मैंने फिर उसके बाद 89 डाल दिया, तो 89 डालने के बाद बोलेगा इट्स टू हाई। तो 89 हाई है तो ऐसा नंबर है जो कि 50 और 89 के बीच में आता है। सो लेट्स से मैं 70 डाल दूंगा, तो 70 डालने के बाद वो बोलेगा इट्स टू, इट्स लो। फिर सिमिलरली 70 और 89 के बीच में चाहिए तो मैं डाल दूंगा 80, तो 80 डालूंगा तो वो हाई बोल देगा। सिमिलरली फिर अगर मैं 78 डालूँ तो वो बोलेगा कॉन्ग्रेट्स, यू गेस्ट इट करेक्ट। सो बेसिकली ये वाला गेम बनाना है। तो इसमें अभी जैसे हमने डिस्कस किया, तो हमें एक रैंडम नंबर लगेगा और स्टार्ट एंड एंड लगेगा और यूज़र से इनपुट लगेगा। तो उसके पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बेस टेम्पलेट से। तो इसी सेम गेम का अगर तुम्हें पाइथन वाला वर्जन देखना होगा तो उसका ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। तो अगर तुम फर्स्ट ईयर 2019 पैटर्न के प्लेलिस्ट में जाओ तो उसमें भी स्टार्ट टू लेके एंड तक विद इंक्लूडिंग मिनी प्रोजेक्ट सब डिस्कस किया गया। तो उसके साथ भी एक रेफरेंस ले सकते हो। सो उससे लॉजिक मतलब उसमें थोड़े से अलग वे में एक्सप्लेन किया था, तो अगर वो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वो, या फिर इसी भी वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड आई ओ डॉट एच इंट मेन एंड देन रिटर्न 0। यस, तो अभी करना क्या, एक रैंडम नंबर गेस करना है। तो मैं एक हमने ये लास्ट वीडियो में देखा था कि सीड रैंडम करके एक होता है जिसमें हम अगर टाइम का इनपुट दें तो वो ऑटोमेटिकली मतलब अलग अलग रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा। सो मैं क्या करूँगा कि ये तो इनिशियलाइज कर दिया। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है मिन एंड मैक्स, ये होगा, चलो ये यूज़र से ले लेते हैं। ये पूरा प्रोग्राम डायनेमिक बनाने का ट्राई करेंगे। तो यस, यहाँ पे फिर स्कैन एफ, और क्या होगा कि मॉडुलस डी, फिर एक न्यू लाइन के बाद वापस एक मॉडुलस डी देगा। एंड देन हमें करना क्या है, मिन 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 एंड मैक्स। सो पहला जो वैल्यू होगा वो मिन में जाएगा एंड देन दूसरा जो, वरना इसके बचा हम एक एक करके ही ले सकते हैं। तो प्रिंट एफ पहले प्रिंट करेंगे, एंटर मिनिमम वैल्यू, तो वो एंटर करेगा। उसके बाद स्कैन एफ एंड देन एक डेसिमल लेना है
जो कि जाएगा मिन में। सिमिलरली ये कॉपी कर दिया एंड ये पेस्ट। अभी मिनिमम के बजाय आएगा मैक्सिमम एंड मिन के बजाय मैक्स। बेसिकली यूजर से हमने ले लिया, उसके पहले थोड़ा सा ये करता है तो प्रिंट एफ, थोड़े से डैशेस एंड ये कॉपी। फिर ये के एंड फिर यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट एफ और वेलकम टू गेस की। तो ये मतलब हेडर हो गया, हेडर प्रिंट कर दिया। फिर ये मिन एंड मैक्स कुल, तो यस मिन एंड मैक्स मिल गया। अभी हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना, तो हमने पिछले वीडियो में किया था एक रेंज में का नंबर जनरेट, वापस करेंगे तो इंट जनरेट रैंडम नंबर। तो इसमें हम एक इंटीजर मिन लेंगे एंड देन इंटीजर मैक्स लेंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे मिन प्लस रैंडम नंबर का मॉडुलस विद मैक्स और ये रिटर्न करेंगे। कुल तो ये एक जन रैंडम नंबर रिटर्न करेगा। तो इंट रैंडम गेस नंबर इक्वल टू ये फंक्शन। तो बेसिकली ये जो नंबर है ये हमें गेस करना है। तो अब ये स्टोर हो गया, तो यूजर से यस तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देंगे। ओके यहाँ पे न्यू लाइन डालना पड़ेगा, सिर्फ ये तीनों में, ताकि ये तीन अच्छे लगे एंड स्लैश एन। तो इसके बाद में ये होगा और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे नहीं ठीक है, मतलब मैं सोच रहा था कि यहाँ पे प्रिंट करे कि सेव्ड अ रैंडम नंबर, बट ठीक है अपन डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे प्रिंट एफ एक न्यू लाइन के साथ गेस एंटर योर गेस। तो ये के फिर हमें स्कैन एफ करना है, वो भी एक डेसिमल नंबर होगा, वो जाएगा यूजर गेस वैल्यू में। तो ये मुझे बनाना पड़ेगा इंट यूजर गेस, ठीक है। तो अभी तो ये जो एंटर यूजर गेस है ये बार बार होगा, सो रिपीटेटिव होगा। तो इसमें वाइल लूप, क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या ये है, सो वाइल लेट से अभी के लिए ट्रू दे देते हैं। ओके अंदर जाके जब भी हमें वैल्यू मिले तब हम फॉल्स कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे एंटर यूज एंटर योर गेस, ये बाहर ही कर देते हैं डिक्लेयर, ताकि हर बार ना डिक्लेयर करना पड़े। तो डिक्लेयर कर दिया एंटर यूजर गेस, एंटर यूजर गेस और ये नंबर आ गया। इफ मतलब अगर आपका गेस यूजर गेस इज इक्वल इक्वल टू दी रैंडम गेस नंबर, मतलब तुमने गेस करेक्ट कर दिया, सो प्रिंट एफ कॉन्ग्रेट्स यू गेस दी नंबर करेक्टली एंड यस। else if क्या हो सकता है कि यूजर गेसेस लेस देन रैंडम गेस नंबर,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, योर गेस इज लोअर देन एक्चुअल वेल, या फिर लो भी लिख सकते हैं, हाई भी लिख सकते हैं, डिपेंड क्वेश्चन में. इफ यूजर्स गेस इज रॉन्ग द प्रोग्राम शुड रिटर्न सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन लाइक हाउ रॉन्ग द नंबर इज टू हाई टू लो. इफ यूजर गेस इज करेक्टली पॉजिटिव इंडिकेशन, तो पॉजिटिव तो हो गया, कॉन्ग्रेट्स. अगर यूजर गेस कम है तो योर गेस इज लोअर देन एक्चुअल वैल्यू. एंड सिमिलरली कॉपी करके एल्स केस में होगा. तो एल्स केस में होगा योर गेस इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू. कुल तो कि यहाँ पे ये सेमी कोलन, यहाँ पे सेमी कोलन और सेफ, और ये चलते रहेगा. जब भी यूजर नंबर गेस हो तो हमें ब्रेक करना है, क्योंकि ये कंटिन्यूस वरना चलते रहेगा. तो कुल ये चलना चाहिए. चलो एग्जीक्यूट तो करके देखते क्या क्या इशू आएगा. ओके, प्रिंट एफ, मैंने प्रिंट लिख दिया. एग्जीक्यूट वाइल ट्रू. ओके, ट्रू नहीं है ऐसा कुछ, मतलब एसटीडी बूल यूज करना पड़ेगा हेडर, तो उसके बजाय मैं वन डाल देता हूँ क्योंकि वन इज ऑल्सो ट्रू. तो एग्जीक्यूट जनरेट रैंडम नंबर, क्या हो गया जनरेट. ओके, उसको इनपुट वैल्यू चाहिए, तो इसमें जाएगा मिन एंड मैक्स, मिन एंड मैक्स. एग्जीक्यूट, ओके स्टार्ट हो गया. तो चलो क्लियर एंड वापस एग्जीक्यूट. तो यहाँ पे वार्निंग आ रही है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. ठीक है, रैंड फंक्शन का इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन के कुल टाइम. ठीक है, इसको भी अंदर ले जा सकते हैं. ओके, मैंने वो इंक्लूड भी नहीं किया था, उसका मेन इशू था ये फंक्शन के अंदर वाला ने. एसटीडी लिब डॉट एच एग्जीक्यूट, क्या क्या सेव एग्जीक्यूट. ओके टाइम, ओके टाइम के लिए भी हैश इंक्लूड टाइम डॉट एच. कुल सो क्लियर एग्जीक्यूट. ओके, अभी चल रहा है, देखो वेलकम टू द यस गेम, एंटर द मिनिमम वैल्यू. लेट से मैं वन दे देता हूँ, एंटर मैक्सिमम वैल्यू 100. तो अभी एंटर योर गेस, तो लेट से मैं डालता हूँ 5. ओके, योर गेस इज लोअर देन एक्चुअल वैल्यू, मेरा कम है, तो लेट से 80 डाल देता हूँ. 80 भी कम है तो 80 से भी बड़ा, लेट्स से 90. 90 भी कम है तो 99. ओके, तो कॉन्ग्रेट्स, योर गेस इज करेक्ट, द नंबर वाज 99. तो यहाँ पे मुझे एक न्यू लाइन देना चाहिए. यस, तो अभी इन्होंने बोला क्या है कि यहाँ पे टू हाई या फिर टू लो ये भी दे सकते हैं. अभी ये मतलब इसका मतलब ये बेसिक हो गया, ये मोस्ट बेसिक बेयर मिनिमम गेस गेम हो गया. तो इसमें कैसा है कि अभी ये पूरा गेम खेल सकते हैं. तो वापस अगर स्टार्ट करें तो मैं देता हूँ -100 से लेके +100 तक. ठीक है, तो अगर मेरा वैल्यू है 10, गेस मेरा 10 है, तो गेस ग्रेटर है 0, 0 भी ग्रेटर है, मतलब माइनस में है ये वैल्यू. तो -100 इससे छोटा, तो -45. योर गेस इज लोअर. ओके रुको, सो योर गेस इज लोअर मतलब -45 कम है. तो ये होगा -10, तो -10 बड़ा है, तो इससे छोटा -50. ओके, -50 कम, -10 एंड 50 के बीच में -30, तो मेरा गेस कम है, तो ये होगा 30 और 10 के बीच में 15 के. यार गेस इज ग्रेटर, तो -20 के ग्रेटर है, तो 25 तो भी ग्रेटर है, 29 नहीं 28 लोअर
27 तो मैनुअली करना पड़ा लास्ट के कुछ, बट स्टिल कॉन्ग्रेट्स, यू गेस द नंबर करेक्टली एंड -27 वाज द आंसर। तो वैसे तो मिन मैक्स मतलब मैनुअल डिफॉल्टली सेव भी कर सकते हैं, मैंने पूरा डायनेमिक बनाने की कोशिश की। तो यही था गेस गेम के बारे में। तो इस गेस गेम में मेनली एक रैंडम लेके ये करना था। तो इस क्वेश्चन में कुछ डाउट्स या फिर कुछ फीडबैक रहेंगे तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप में भी अपना अपडेट्स दे सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।